नमस्ते दोस्तों, अभिवादन आपका। आप सबसे पहले आप सबका स्वागत है हैप्पी इन्वेस्टर्स के इस नए वीडियो में। बात सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर, लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक दोस्तों, ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक मामूली से किसान की, कि जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी का लास्ट महीना चला था। तो जैसे कि आपको पता है, बेबी आने वाला होता है तो पेन शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण बीवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए बीच में एक बड़ी सी चट्टान आती थी। ठीक, वो बड़ी सी चट्टान को पार करके हमें जाना पड़ता था उस गांव वालों को डॉक्टर के पास। ठीक, तो बात हुआ कुछ यूँ कि हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी बीवी को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले ही वो चट्टान जो उनके बीच में आ रही थी, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था, जिसके कारण वो अस्पताल नहीं पहुँचा पाए और उनका देहांत हो गया, बीवी का और उनके बच्चे का। फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने बोला कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं ये किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। दोस्तों उसने उसी दिन से उस बड़े से पर्वत के खिलाफ एक अपनी लड़ाई शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं ये काट कर ही दम लूँगा और इसी पहाड़ को चीर करके मैं रास्ता बनाऊँगा अपने गाँव वालों के लिए, ताकि मुझे और मेरी धर्मपत्नी को जो मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी वो और कोई ना करे। और दोस्तों उसने एक साल, दो साल, तीन साल, जब तक वो पहाड़ उसने तोड़ नहीं दिया, उसमें से रास्ता बना नहीं दिया, तब तक उसने मेहनत करना शुरू रखा। वो रोज़ सुबह आता था और रात तक मजदूरी करता था अकेले। गांव वालों को लगता था कि क्या ही है ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने वाकरी में उस चट्टान में से रास्ता बना ही दिया। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है। एक रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे इन्वेस्टर पूरे लाइफ अपनी डेडिकेट करते हैं अपने पैसे कमाए हुए स्टॉक मार्केट में। कई बार नुकसान होता है, कई बार हमें सीखने मिलता है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि नुकसान, अगर हम इसे नुकसान के रूप में देखें तो नुकसान लगेगा, लेकिन अगर हम इसे सीखें, ठीक है, इसे ऐसे सीख के रूप में लें तो हमें बहुत कुछ जानने मिल सकता है। हार नहीं माननी है, ठीक है, लगे रहना है। तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब आपके ज़िंदगी में भी आपको वो मल्टी बैगर स्टॉक ज़रूर मिलेगा, जो आपकी और आपकी परिवार की ज़िंदगी बदल देगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक दोस्तों, इसी कहानी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो स्टॉक के बारे में एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है अभी। ठीक, और वो स्टॉक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, बजाज ग्रुप का स्टॉक है, और हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें वो अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देने की दमखम रखता है। ठीक, तो बिना देर किए चलते हैं उस स्टॉक पर। दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको मैंने अपने वीडियोस में पिछले भी वीडियोस में कई बार कवर किया है। ठीक है, और जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है मार्केट में। अब ये खबर क्या है, किस बेसिस पर ये न्यूज़ आ रही है, और इसको हमें कितना वेटेज देना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, विस्तार से इसकी बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ पहले तो रीड करके बताता हूँ, ठीक है, एक एक वर्ड इसका ध्यान से समझना होगा हमें, उसके बाद हम इसका अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि सिचुएशन किस तरीके से हमें आगे स्ट्रेटजी बनानी है। बजाज कंज्यूमर केयर मार्च क्वार्टर प्रॉफिट मोर देन डबल्ड ऑन 40% सेल्स ग्रोथ, बट राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट्स एंड एन एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स हर्ट ग्रॉस मार्जिन, अ ट्रेंड डेट कंटिन्यू इन द जून क्वार्टर्स। Analysts said the company's execution has improved under the new CEO with a focus on product refresh, sharper marketing and distribution, visibility in retail and growing non-ADO, ADO मतलब almond drop hair oil portfolio, मतलब इनका जो non-almond drop hair portfolio था उसमें काफ़ी हद तक improvement दिखाई दिया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हम सब इतने सालों से बजाज का almond drops product use करते आ रहे हैं, जो इनकी कंपनी का सबसे successful product में से एक है, या फिर ये कह लो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी यही है। ठीक है,
लेकिन इसके कई सारे इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस बार एक इम्प्रूवमेंट ये देखने को मिला है कि ऑन प्रोडक्ट रिफ्रेश, शार्पर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विजिबिलिटी इन रिटेल एंड ग्रोइंग नॉन आलमंड ड्रॉप हेयर पोर्टफोलियो, इसमें हमें बढ़ोतरी देखने मिली। मतलब इनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं आलमंड हेयर ऑयल के अलावा, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। द रिवाइवल इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, इन्होंने इस बार डिविडेंड दिया है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। एंड एडेड दैट द करंट वैल्यूएशन फॉर द स्टॉक इज़ अनडिमांडिंग एंड इट कुड बी अप फॉर अ री रेटिंग। ठीक, अब इनको री रेटिंग के लिए भी ध्यान में दिया जाएगा। डिस्पाइट रैली ऑफ 85% इन लास्ट 1 ईयर, शेयर्स ऑफ बजाज कंज्यूमर्स आर डाउन 40% फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि इतना रैली होने के बावजूद एक टाइम था जब ये स्टॉक 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज ये 300 रुपये के आसपास है, यानी कि 3 गुना कर दिया है। इसके बावजूद ये स्टॉक अपनी जो ऑल टाइम हाई है उसके 40% गिरावट में हमें मिल रहा है। ठीक है, एनालिस्ट आर विलिंग टू वैल्यू द स्टॉक एट 20 to 23 times। इस पर आपकी नज़र डालना चाहूँगा, 20 to 23 times इन फाइनेंशियल ईयर अर्निंग पर शेयर कंपेयर्ड विथ 15 times वैल्यूएशन इट कमांड्स करंटली। ठीक, तो अभी के हिसाब से ही ये बोल रहे कि 15 times वैल्यूएशन तो इसका है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जब 23 आ जाएगा उसकी अर्निंग पर शेयर अगर स्टॉक ऐसे ही ग्रो करता रहा तो उसका वैल्यू 20 to 23 times हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। अब ट्रैप्ड वैल्यू, अब ICICI बैंक सिक्योरिटीज़ ने भी इसके ऊपर एक अपना कमेंट दिया है, एक राय रखी है, वो क्या है जान लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज सेड बजाज कंज्यूमर इज अ केस ऑफ ट्रैप्ड वैल्यू एंड नॉट अ वैल्यू ट्रैप। इट लाइक्स द कंपनीज रिन्यूड थ्रस्ट ऑन प्रोडक्ट रिलॉन्च, इंटीग्रेटेड कैंपेन, थ्रस्ट ऑन डिजिटल एंड इम्प्रूव्ड ब्रांड विजिबिलिटी अक्रॉस रिटेल आउटलेट्स एंड फोकस ऑन कैटेगरीज बियॉन्ड आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल सच एज आमला, रोजबेरी, बिसाइड्स इनिशिएटिव्स फॉर मार्केट शेयर गेनिंग्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन। यानी कि ICICI सिक्योरिटी भी हमें कहने को ये चाह रही है कि कंपनी ने अपनी जो स्ट्रेटजी है मार्केटिंग में उसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट लाया है। फिलहाल उनके बजाज आलमंड ड्रॉप्स ही बेचते से ज़्यादातर उनकी मार्केटिंग होती थी, लेकिन अब अपने दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक, द ब्रोकरेज हैज़ इंक्रीज द अर्निंग्स इट्स अर्निंग्स एंड एस्टिमेट्स द हेयर ऑयल मेकर बाई 6% फॉर फाइनेंशियल 23। इट हैज़ रिवाइज द प्राइस टारगेट फॉर द स्टॉक टू ₹400 फ्रॉम 350। यानी कि अब ब्रोकरेजेस भी ऐसा बोल रहे हैं कि इसके स्टॉक जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 400 हो गया, जबकि वो पहले 350 का टारगेट लेकर के चल रहे थे। अर्लियर वैल्यूइंग इट 23 times मार्च फाइनेंशियल ईयर 23 अर्निंग पर शेयर। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ स्लोअर एक्सपेंशन ऑफ हेयर ऑयल कैटेगरी ग्रोथ हैज स्टार्टेड टू पिक अप बैकिंग इन द सेक्टरल रिवाइवल एंड बजाज स्टेडी इंप्रूवमेंट, वी आर रेजिंग द टारगेट वैल्यूएशन टू 20 times फ्रॉम 15 times विच यील्ड्स अ रिवाइज्ड प्राइस और टारगेट ऑफ 350 अगेंस्ट ₹260 अर्लियर। एडलवाइस सेड द सेम थिंग, राइट। अब कोविड का इम्पैक्ट भी कंपनी पर ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा था। कंपनी अचीव द हाइएस्ट एवर वैल्यू मार्केट शेयर प्रिंट ऑफ 11.1% इन टोटल हेयर ऑयल मार्केट ड्यूरिंग जनवरी एंड फेब्रुआरी विद गेंस इन बोथ आलमंड एंड आमला हेयर ऑयल कैटेगरीज। फॉर द हेयर ऑयल कैटेगरीज ग्रोथ इन द अर्बन मार्केट वॉज डाउन 3% ईयर ओवर ईयर बट 6.2% इन रूरल मार्केट। तो ग्रोथ में काफ़ी हद तक 3% का इनको गिरावट मिला है, और रूरल एरिया में बात की जाए तो 6.2% रूरल मार्केट में इनको गिरावट मिली है। कोटक सिक्योरिटीज सेड द डिमांड फॉर द कंपनी हैज़ वॉज रोबस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ऑनगोइंग क्वार्टर्स। यानी कि इनकी जो डिमांड थी कंपनी की वो रोबस्ट थी स्टार्ट ऑनगोइंग क्वार्टर्स के टाइम। ठीक, अब बाकी अगर मैं और इम्पोर्टेंट आपको इसमें इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल करके दूँ तो एक अच्छी बात, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया इस ट्रेड डिविडेंड प्रोवाइड किया है कंपनी ने 4 रुपये का। इट टुक टोटल डिविडेंड फॉर ईयर फॉर द ईयर 2 rupees 10। ठीक है, इस साल में फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपये तक का डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दे चुका है, रिजल्टिंग इन अ टोटल पे आउट फॉर फाइनेंशियल 2021 एट 66%। दिस वॉज लोअर देन 100% पे आउट सीन इन फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 19। यानी कि पिछले ईयर्स के फाइनेंशियल के हिसाब से इस साल इन्होंने कम डिविडेंड दिया है। ठीक है, बट अ रिसेंट कंपेयर विद पे आउट ऑफ 16% इन फाइनेंशियल 2020 के हिसाब से अच्छा खासा डिविडेंड है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेरे अनुसार ये शेयर कि अगर हम चार्ट पर मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, इसका आपको मैं सारी स्ट्रेटजीज आगे समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का टेक्निकल चार्ट्स पर बजाज कंज्यूमर के। अब बात करते हैं इसके
टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात की जाए तो ये मैं अभी देख सकते हैं आप लेवल्स यहाँ पर से इसने थोड़ा सा अपना करेक्शन बताया, ये हाई बनाया इसने 320 का, अब यहाँ पर इसने करेक्शन बताया 285 रुपये का, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया और धड़ाम से स्टॉक नीचे गिरा, देखा आपने। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट मार दिया, और उन्होंने एंट्री कब मारी थी, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स को चौकन्ना रहना चाहिए, ठीक है। जब भी रिजल्ट आए तो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट आए तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट आने की जो मोमेंटम थी वो ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले ही आ गई हो, क्योंकि इंटरनल न्यूज़ हमेशा बड़े प्लेयर्स को पता रहती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इंटरनल न्यूज़ हमेशा सबसे पहले पता बड़े प्लेयर्स को ही चलती है, और सबसे लास्ट में अगर किसी को न्यूज़ का पता चलता है तो वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे लोग, हमेशा याद रखना। तो यही हुआ यहाँ पर भी, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने ऑक्यूपाई किया माल को, ठीक है, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने माल को ऑक्यूपाई किया, यहाँ से स्लोली एंड स्टडीली जैसे जैसे रिजल्ट आने वाला था, उनको पता था कि ऊपर जाएगी प्राइस, प्राइस को ऊपर ले गए, जैसे ही रिजल्ट आया यहाँ से उन्होंने एग्जिट मारना शुरू किया, और देख सकते हैं आप जैसे ही सेल ऑफ आया, और दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि कैसा भयंकर सेल ऑफ आया कि सीधा 25-30 रुपये तक स्टॉक नीचे गिर गया, ठीक है। अभी तक 25-30 रुपये तक स्टॉक नीचे गिर चुका है, और अभी यहाँ पर और कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकल लेवल्स के ऊपर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक और बार ये स्टॉक यहीं कहीं 270 के आसपास आने का दमखम रखता है। रिजल्ट अच्छा आया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी आपको अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने कंपनी ने अपने नए CEO को भी अपॉइंट किया है, और नया CEO की कुछ स्ट्रेटजी से मुझे भी उम्मीदें हैं कि नया CEO आने की वजह से कंपनी में काफ़ी हद तक बदलाव नज़र आएगा हमें लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छा शेयर है, इस पर नज़र बनाकर रखनी है। एवरी डिप पर बाई कर सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़, यानी कि एक एक दो दो क्वांटिटी बाई करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो साइज़ के ऊपर निर्भर करता है आप कितना प्रतिशत उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। मैंने जो स्ट्रेटजी की बात करी थी इन्वेस्टमेंट की, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ इसी टॉपिक पर देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक और बार कि SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करिएगा इस स्टॉक में। एवरी डिप पर बाई करना है, अगर आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है इस स्टॉक में बजाज कंज्यूमर में, तो आपको उसे किस तरीके से बाई करना है, हज़ार हज़ार के सेट में बाई कर सकते हैं, 500-500 रुपये के सेट में बाई कर सकते हैं, एवरी डिप पर एवरी करेक्शन पर बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा खासा करेक्शन आने की संभावना हो सकती है, ठीक। अभी ये ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन उम्मीदें तो ऐसी भी है कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर ये लेवल पर जिस तरह से रिजल्ट आया है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो हम इस एरिया में थोड़ा सा अपना क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा और डिप दिखा तो थोड़ा और आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिएगा और इसी हिसाब से आगे डिसीजन लीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप किस स्टॉक पर अपनी राय रखना चाहते हैं, आपकी राय क्या है बजाज कंज्यूमर के रिलेटेड, आप किस स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।